गीत संगीत की दुनिया में रुचि रखने वाले लोग बैकस्ट्रीट बॉयज, एनसिंक, एलएफओ, ओ टाउन ऐसे बॉय बैंड्स के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, 90s में जो बॉय बैंड्स उभर के आए थे अमेरिका से और वो फिर पूरी दुनिया में मशहूर हुए थे अपने गानों को लेके, अपने नए तरह के संगीत को लेकर के, इनकी रंग रंगीली दुनिया संगीत संगीत की, ये जगह जगह के कॉन्सर्ट्स करते हैं, गाने वगैरह इनके बहुत ही मशहूर हैं, लोग बहुत गाने सुनते हैं इनके, इसके पीछे की क्या कोई ऐसी भी सच्चाई है जो कि बहुत कड़वी है, जो लोगों को पता होनी चाहिए थी? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है डर्टी पॉप द बॉय बैंड स्कैम के नाम से, जो कि इन सब बैंड्स को आगे लेके आने वाला जो आदमी था, जिसने इन सब लोगों को प्रमोट किया, इसको इनके ऊपर पैसे लगाए और इनके पूरे अकाउंट्स वगैरह सबको मैनेज किया, लुइस पर्लमैन, जो कि लू पर्लमैन पर्लमैन के नाम से जाने जाते थे, और 2016 में उनका निधन हो गया। लेकिन उसके पहले कई सारी बातें हुई, उन पे कई सारे इल्ज़ाम लगे, उनको जेल भी हुई, बहुत सारा कुछ हुआ। और कहते हैं कि इन बैंड्स को मशहूर करने के पीछे का जो पैसा है वो ब्लड मनी है, और बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं इसके पीछे। तो आप देख सकते हैं इसको नेटफ्लिक्स पे, डर्टी पॉप द बॉय बैंड स्कैम।